अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तसव्वुफ़ शम्स चैनल पर हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज से हम सवाल और जवाब की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल, कुल कितने अंबियाए कराम दुनिया में तशरीफ लाए? जवाब, कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबियाए कराम दुनिया में तशरीफ लाए। सवाल, रसूलों की तादाद कितनी है? जवाब, रसूलों की तादाद 313 है। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाने के लिए ज़मीन से मिट्टी कौन ले गए थे? जवाब, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ले गए थे। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म कहाँ बनाया गया? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मक्का और ताइफ़ के दरमियान वादी नौमान में अरफात पहाड़ के करीब बनाया गया था। सवाल, हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कितना हुस्न दिया गया था? जवाब, हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 70 हूरों के हुस्न से नवाजा गया था। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नत से कहाँ उतारा गया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कोलंबो श्रीलंका में पहाड़ पर उतारा गया और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जिद्दा में उतारा गया था। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कितने दिनों में कबूल हुई और किसके नाम की बरकत से कबूल हुई? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ 300 बरस के बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत से कबूल हुई। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम किस चीज़ से अपना सतर ढांप कर दुनिया में तशरीफ़ लाए? जवाब, जन्नत के दरख्त के पत्तों से जिस्म ढांप कर दुनिया में तशरीफ़ लाए। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के निकाह का महर कितना था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के निकाह का महर 3 मरतबा या 70 मरतबा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ़ भेजना था।